अब खबर रायपुर से है, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का किसानों पर फोकस है। आज रायपुर में किसान महासम्मेलन का आयोजन रखा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही महासम्मेलन में 1.5 लाख से ज्यादा किसानों की भीड़ जुटाने का भी लक्ष्य है। सभी मंडलों और बूथ प्रभारी को भीड़ जुटाने का टास्क दिया गया है। सीएम ने रायपुर के 12 मंडल 840 बूथ पर जाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जमीनी स्तर पर सुपर एक्टिव मोड में बीजेपी नजर आ रही है। तमाम वर्गों को साधते हुए कई रणनीति यहां पर बनाई गई है और इसी कड़ी में किसानों को साधने के लिए भी पूरा यहां पर प्लान तैयार है बीजेपी का। बीजेपी का अब किसानों पर फोकस है। लोकसभा चुनावों से पहले किसानों को साधने का प्रयास। आज रायपुर में किसान महासम्मेलन का आयोजन रखा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे और हमेशा से बीजेपी की यह स्ट्रेटेजी रही है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं केंद्रीय मंत्री भी मैदान में उतरते हुए नजर आते हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह का दौरा भी खास माना जा रहा है। सीएम ने रायपुर के 12 मंडल 840 बूथों को पक्का करने के लिए पुरजोर यहां पर प्लानिंग की हुई है और साथ ही महासम्मेलन का आज आयोजन है चुकी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, किसानों को साधने के लिए तमाम स्ट्रेटेजी यहां पर अपनाई जा रही है और इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम भी है आज, क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज सबसे बड़ा महासम्मेलन है किसानों का और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सबसे बड़ी संख्या में जो किसान हैं, लगभग बीजेपी का कहना है कि 1.5 लाख से ज़्यादा की संख्या में आज किसान कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं। इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी की गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षा मंत्री हैं देश के राजनाथ सिंह, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। लगभग 11:30 के बाद वो राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और सीधे तौर पर कार्यक्रम में जाते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही जो किसानों की अंतर की राशि है उसको देने की घोषणा आज राजनाथ सिंह सबसे पहले करने वाले हैं साइंस कॉलेज में लगे मंच के माध्यम से। वहीं एक बड़ी सभा होगी, सभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जो विभाग के मंत्री हैं वो शामिल होंगे, क्षेत्रीय विधायक यहाँ पर शामिल होते नजर आएंगे। तो देखिए, काफ़ी बड़ी व्यवस्थाएँ की गई है और हजारों लोगों के, लाखों लोगों के बैठने की जो व्यवस्था है वो वहाँ पर की गई है और काफ़ी बड़ा मैदान है। इसके साथ ही रायपुर क्षेत्र के जो 12 मंडल के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे युवा मोर्चा के हो, भाजपा के कार्यकर्ता हो, उनको भी पूरी तैयारी करने के लिए जो है व्यवस्थाएं में लगातार मुआयना करने के लिए पूरी जो है जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही 840 जो शक्ति केंद्र के जो बूथ हैं उसको मजबूत करने की पूरी जो है निर्देश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिए। तो देखिए, एक बड़ा कार्यक्रम आज राजधानी रायपुर में है। अब चूंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की भी घोषणा हो जाएगी, जो सिलसिलेवार तरीके से जो केंद्रीय नेता हैं उनके दौरे हो सकते हैं। इसके साथ ही स्टार प्रचारक की सूची भी जल्द आ जाएगी, उसकी भी जो है लगातार जो है उसके बाद लगातार उनके भी दौरे होंगे। तो देखिए, लगातार सिलसिलेवार तरीके से कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय नेताओं का दौरा भी लगातार जारी रहेगा। फिलहाल आज किसानों के लिए सबसे बड़ी खबर है कि राजनाथ सिंह यहाँ पर आएंगे और अंतर की जो राशि है उसको लेकर आज घोषणा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और कहा जाता है जब भी केंद्र के नेता किसी भी जमीनी स्तर पर पहुंचते हैं तो कोई बड़ा तोहफा देते हुए नजर आते हैं और आज तस्वीर भी वही बनती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।